नमस्कार दोस्तों, 2 जुलाई 1995 की वह भयानक रात जब एक रेस्टोरेंट से आग की लपटें निकल रही थीं। इस रेस्टोरेंट में इतनी देर रात खाना नहीं बन रहा था, बल्कि एक महिला का शव तंदूर में जल रहा था। भारत के इतिहास का एक ऐसा केस था जिसने ना केवल राजधानी दिल्ली को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अखबारों में और मीडिया पर इस केस पर खूब चर्चे हुए। हालांकि केस खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, जल्द ही आरोपी तक पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो आइए जानते हैं क्या है ये दिल दहला देने वाली वारदात। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन। For murdering his wife, Naina Sani has had his death sentence commuted to life by the Supreme Court. This case took place in 1995, the summer of 1995. He murdered his wife, believing her to have had extramarital affair. दरअसल तंदूर कांड नैना सानी नाम की एक महिला की हत्या की कहानी है। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि नैना साहनी का पति सुनील शर्मा ही था। सुनील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। जब नैना साहनी की हत्या हुई थी तो सुनील शर्मा दिल्ली युवक कांग्रेस का अध्यक्ष होता था और नैना साहनी भी कांग्रेस नेता थी। 2 जुलाई 1995 को गोल मार्केट के सरकारी फ्लैट नंबर 8/2A में रात के 8:30 बजे यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील ने अपनी पत्नी नैना को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा। सुशील को देखते ही नैना ने फ़ोन काट दिया। जब सुशील ने वह नंबर दोबारा डायल किया तो दूसरी तरफ से उसके साथ काम करने वाला करीम मतबूल था। बस सुशील गुस्से से आग बबूला हो गया और बिना सच्चाई का पता लगाए उसने रिवॉल्वर से नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलियों के हमले से नैना ने दम तोड़ दिया। इसके बाद नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुशील को जब कुछ और नहीं सूझा तो वह अपने बगिया रेस्टोरेंट में तंदूर के भीतर लाश को जलाने का प्लान बनाया। रात के करीब 1 बजे होंगे, सड़कें सुनसान थीं, आसपास के घरों में लोग चैन की नींद सो रहे थे। हत्या के बाद नैना सानी की लाश को सुनील ने अपनी गाड़ी में भरा और उसे ठिकाने लगाने के लिए चल दिया। लेकिन जब उसे लाश को ठिकाने लगाने के लिए सही जगह नहीं मिली तो वह उसे इंद्रप्रस्थ होटल में अपने बोगिया रेस्टोरेंट में ले गया। देर रात को जब रेस्टोरेंट खाली हो गया तो सुनील ने लाश के टुकड़े किए और उसे तंदूर में जलाना शुरू कर दिया। लाश को जल्दी से जलाने के लिए सुशील ने रेस्टोरेंट में रखे मक्खन का भी इस्तेमाल किया। मक्खन के इस्तेमाल से तंदूर से लपटें उठने लगीं। उसी रेस्टोरेंट के ठीक बाहर फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाली महिला की नज़र जब लपटों पर पड़ी तो उसे लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है और वह चिल्लाने लगी। महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहीं पहरा दे रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नज़ीर वहां पहुंचे और जैसे ही वह आग को देखने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े तो उन्हें सुशील दिख गया। जब वहां पुलिस पहुंची तो नैना की लाश बुरी तरह जली हुई फर्श पर पड़ी थी। आग की गर्मी की वजह से नैना की अतड़ियाँ पेट से बाहर निकल आई थीं। पुलिस ने होटल के मैनेजर को पकड़ लिया और इस तरह से उसका अपराध दुनिया के सामने आ गया। इस मामले में सुशील को जेल हुई। दिसंबर 2018 में 23 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद सुशील को रिहा कर दिया गया। अब आप खुद ही सोचिए कि किस तरह से एक शक ने उस महिला की जान ले ली और इस आदमी ने भी उसके साथ कितनी दरिंदगी दिखाई। पता नहीं किस तरह की मानसिकता वाले होते हैं ये लोग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब